गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक तो किंगडम एनिमेलिया का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड फिर वायरसेस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में एंड लाइकेंस के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। किंगडम एनिमेलिया के लिए अलग से एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर 4। वहाँ उस किंगडम को पूरी डिटेल में हमें पढ़ना होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम जो फिफ्थ किंगडम है, जो फिफ्थ किंगडम है एनिमेलिया है। एनिमेलिया किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। वो मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और हिट्रोट्रॉफिक हैं, जनरली हिट्रोट्रॉफिक हैं। और इनके अंदर जो एनिमल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, डेवलप्ड हैं उनकी बॉडी, ठीक है। और जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनके अंदर अलग अलग सिस्टम्स हैं डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो इस तरीके से, है ना बेटा। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनकी डिटेल स्टडी की जाती है। इस किंगडम को हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे, वहां अलग से दिया है चैप्टर ये। नेक्स्ट अपना आज का जो नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये क्लासिफिकेशन फिनिश होता है, ठीक है। आर एच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो वायरसेस के बारे में ले, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वायरस। वायरस एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, एक ऐसे सब माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बैक्टीरिया से भी ज्यादा स्मॉल है। यानी कि जो वायरसेस हैं वो इतने स्मॉल हैं कि बैक्टीरिया रिटेनिंग जो फिल्टर्स हैं उनको भी वो पास कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि ना तो ये लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, ठीक है। तो लिविंग बींग एंड नॉन लिविंग बींग के बीच का इंटरमीडिएट है ये। और आउटसाइड द बॉडी किसी भी एनिमल या प्लांट से बाहर अगर ये है तो ये एक इनर्ट पार्टिकल के रूप में है। एक क्या है, ये इनर्ट पार्टिकल के रूप में अगर किसी होस्ट की बॉडी से बाहर है, ठीक है। अगर ये जब भी एक्टिव होता है जब ये किसी होस्ट के बॉडी में एंटर होता है तो होस्ट की जो सेल्स हैं उन्हीं को ये हाइजेक करके और उसकी मशीनरी को यूज करके ये अपना मल्टीप्लाइकेशन करता है। तो वायरस क्या है, इंटरमीडिएट है लिविंग एंड नॉन लिविंग का। इसका खुद का कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, खुद का कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, खुद के कोई सेलुलर ऑर्गेनाइज नहीं है। वायरस की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इनको किसने डिस्कवर किया। डेमेत्री इवानोवस्की, डी जे इवानोवस्की या डेमेत्री जे इवानोवस्की ने 1892 में इनको डिस्कवर किया। और उन्होंने देखा कि ये प्लांट के अंदर मोजेक डिजीज, टोबेको प्लांट के अंदर ये मोजेक डिजीज कॉज करते हैं। तो इन्होंने टोबेको मोजेक प्लांट से ये आइडेंटिफाई किया कि ये सब माइक्रोस्कोपिक या नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करते हैं। हालांकि जो वायरस है एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। डेमेत्री इवानोवस्की ने इनको डिस्कवर किया और जो वायरस जो टर्म है वो भी इवानोवस्की ने ही दी, ओके। नेक्स्ट लेते हैं एम डब्ल्यू बिजेरनेक है। उन्होंने क्या किया कि जो टोबेको प्लांट है जिनमें मोजेक डिजीज है तो उसके फ्लूड को लिया
और उस फ्लूड को इंट्रोड्यूस किया अदर हेल्दी प्लांट्स के ऊपर, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंफेक्टेड प्लांट का जो फ्लूड है वो अदर प्लांट को इंफेक्ट करता है, ठीक है। तो इंफेक्टेड प्लांट का फ्लूड अदर प्लांट को इंफेक्ट कर सकता है, ये उन्होंने सजेस्ट किया, ये बताया उन्होंने। तो उस फ्लूड को उन्होंने क्या कहा, ये कॉम्पिटिशन में आता है, कॉन्टेजियम वाइवम ठीक है बच्चों, इंफेक्टेड प्लांट का जो कॉन्टेजियस जो फ्लूड है दैट इज कॉल्ड, उसको उन्होंने बिजरनिक ने क्या कहा, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा, ओके। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट हुए डब्ल्यू एम स्टैनले, डब्ल्यू एम स्टैनले ने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया, डब्ल्यू एम स्टैनले ने क्या किया, वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया, और ये एक चीज ऑब्जर्व की गई कि जो क्रिस्टल फॉर्म है वायरस का वो भी इन्फेक्शियस होता है, वो भी कैपेबल है इन्फेक्शन कॉज करने में, तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें। तो अब बात करते हैं वायरस के अंदर लिविंग कैरेक्टर, पहले देखते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं। बच्चों वायरस के अंदर जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है कि एक तो वायरस के अंदर खुद का कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, खुद का कोई जो है साइटोप्लाज्म नहीं है, सेकेंड खुद के कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं है, थर्ड ये कि वायरस का खुद का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है ना। और फोर्थ ये है कि वायरस जो है एक इनर्ट पार्टिकल के रूप में होता है आउटसाइड द होस्ट बॉडी, उसके अंदर किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। तो ये तो है नॉन लिविंग कैरेक्टर। अब मैं बात करूं लिविंग बींग के कैरेक्टर की, लिविंग बींग के कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए या डीएनए पाया जाता है, तो वो ये शो करता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आरएनए या डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ एक वायरसेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उनके एंजाइम्स होते हैं, तो ये भी सही है, ये भी शो करता है कि शायद ये लिविंग बींग है। जब ये होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं और होस्ट सेल के अंदर जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे भी ये पता चलता है कि जैसे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको लिविंग का दर्जा भी दिया जा सकता है कि हाँ भाई ये लिविंग है, ठीक है। लेकिन मेनली बच्चों ये इनर्ट पार्टिकल है, जब तक ये शरीर के अंदर नहीं है तब ये कुछ नहीं कर सकते, जैसे ये किसी की बॉडी में एंटर होते हैं चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वहां जाके ये अपना जो गेम है वो खेलना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई मल्टीप्लाई होना है, और खेल करते भी कैसे कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट की सेल में इंकॉर्पोरेट करके और होस्ट के डीएनए के साथ में या जेनेटिक मटेरियल के साथ में ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जो वायरसेस आर्थ्रोपोड्स के द्वारा फैलते हैं, जो वायरसेस आर्थ्रोपोड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ होते हैं उन्हें हम एडिनो वायरस कहते हैं, क्या कहते हैं, एडिनो वायरस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो जनरली जो वायरस है उनका ट्रांसमिशन किसी ना किसी कैरियर के माध्यम के द्वारा ही होता है, किसी ना किसी कैरियर के थ्रू ये एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट हो ही जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में।
ये बच्चों वायरस की स्ट्रक्चर है। जनरली आपको मैं बता दूं, वायरस डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, हेलिकल शेप में, रोड शेप में, सर्कुलर शेप में, ठीक है ना, बुलेट शेप में। तो अलग अलग शेप्स पाई जा सकती है अलग अलग वायरसेस की, पॉलीहेड्रल शेप में भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बैक्टीरियोफाज का। बच्चों जो बैक्टीरियोफाज जो वायरस, फाज जो वर्ड है, जो फाज वर्ड है, इट्स यूटिलाइजेस फॉर द वायरसेस, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को। जनरली क्या है कि वायरस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तो प्रोटीन का बना कैप्सिड होता है, प्रोटीन का बना एक कैप्सिड होता है, और उसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो आरएनए या डीएनए, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता वायरसेस के अंदर। और कैप्सिड के बाहर एनवेलप पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस डायग्राम को देखिए, इस ये बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है, ये हेड है, ये टेल है, और ये टेल प्लेट है, ठीक है, ये नेक पार्ट है, नेक एंड कॉलर, ये टेल है, टेल के ऊपर सीप कवर्ड किए इसको, और टेल प्लेट है, टेल प्लेट के नीचे ये सिक्स फाइबर्स हैं, टेल फाइबर्स हैं, और ये टेल पिन है, ठीक है। अब ये जो हेड है, हेड के अंदर ये जो पार्ट है, ये है कैप्सिड, और इसके बाहर है एनवेलप। तो जनरली बच्चों जो एनवेलप होते हैं, ये प्रोटीन, लिपिड एंड पॉलीसेक्राइड के बने होते हैं। एनवेलप किसका बना होता है, पतला होता है, थिन होता है, प्रोटीन, लिपिड एंड पॉलीसेक्राइड का बना होता है, और इसकी जो यूनिट होती है, उस यूनिट को कहते हैं पेप्लोमर्स। क्या कहते हैं, पेप्लोमर्स, ध्यान रखना, एनवेलप की यूनिट को पेप्लोमर्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंड आ जाते हैं अपन कैप्सिड के ऊपर। कैप्सिड प्रोटीन के बने होते हैं, कैप्सिड जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और कैप्सिड की जो यूनिट्स हैं उन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर। क्या कहते हैं बच्चों, कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं जनरली कैप्सिड की यूनिट्स को। अब अंदर आ जाते हैं, अंदर है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। तो जब भी जो बैक्टीरियोफाज है, ये जब किसी बैक्टीरिया पर इंफेक्शन कॉज करता है, तो ये अपने टेल पिन और टेल फाइबर से अटैच जाता है बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर, और ये जो टेल ट्यूब है, यहां से होते हुए अपने जेनेटिक मटीरियल को बैक्टीरियल सेल में रिलीज कर देता है। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो डीएनए, उसके बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और अब जब जब बैक्टीरियल डीएनए मल्टीप्लाई होगा, तो वायरल जो डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई होगा, वायरल डीएनए भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इससे वायरसेस बनने शुरू हो जाएंगे, नए वायरसेस बनने शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से एक सिंगल सेल एक फैक्ट्री बन जाएगी वायरस के प्रोडक्शन की, ओके बच्चों। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है वायरसेस की। अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं,
एक तो है विलियन, हाँ ध्यान से देखिए, वीरियन वायरस के कंप्लीट पार्टिकल को, वायरस के कंप्लीट पार्टिकल को वीरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरियन कहते हैं, और इसका जो प्लूरल है उसे वायरा कहते हैं। वीरुसॉइड्स, वीरुसॉइड्स और वायरॉइड एक ही चीज है। इसको हम वायरॉइड को डिटेल में पढ़ना ही है। वायरॉइड इन्फेक्शियस आरएनए है। वायरॉइड क्या है? इन्फेक्शियस आरएनए है। ये किसी भी प्रकार के प्रोटीन कैप्सिड, हेलो सर, हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक सेकेंड बेटा मैं स्टार्ट, हाँ बने रहे हैं आप क्लास में।
इलेवेंथ क्लास एक बार हैंड रेज कर दें आप लोग अगर मेरी साउंड ऑडिबल है आपको. ओके बच्चों, थोड़ी सी ब्लूटूथ प्रॉब्लम आ गई थी, हैंड डाउन कर लें. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो वायरसेस हैं वो दो तरीके के होते हैं, डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस. तो डीएनए वायरसेस को डीऑक्सी वायरा कहते हैं और आरएनए वायरसेस को राइबो वायरा कहते हैं. जनरली जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं और जो एनिमल वायरसेस होते हैं वो डीएनए वायरसेस होते हैं और आरएनए वायरसेस भी होते हैं. जैसे कि कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, एड्स का वायरस आरएनए वायरस है, रिनो वायरस जो सर्दी खांसी जो जुकाम का वायरस होता है वो भी एक आरएनए वायरस होता है. ठीक है, तो वो वायरस जिनके अंदर आरएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो वो जब होस्ट की सेल में अपने आरएनए को रिलीज करते हैं तो आरएनए पहले डीएनए बनाता है, इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, और वो डीएनए फिर होस्ट की सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट होता है. ओके, तो ऐसे वायरसेस जिनके अंदर आरएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, इन्हें हम क्या कहते हैं, रेट्रो वायरसेस कहते हैं. क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं. ओके, बेटा हैंड डाउन कर लो. ज्योतिका एंड प्रियांशु, हाँ एक बार, हाँ हैंड डाउन कर लो. हाँ ठीक है बच्चों, तो जिन वायरसेस के अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है तो दे आर द रेट्रो वायरसेस, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं. अंडरस्टूड. चलिए अब बात करते हैं बच्चों वायरस के एक और डायग्राम में वायरस का बना देता हूं जो कि टोबेको मोज़ेक वायरस का है. टीएमवी वायरस कहते हैं, टोबेको मोज़ेक वायरस. ये एक आरएनए वायरस है जो कि टोबैको प्लांट में मोज़ेक डिजीज कॉज करता है. तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ इस तरीके से होता है. ये टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल होती है और एज ए जेनेटिक मटेरियल इनमें आरएनए पाया जाता है जो कि स्पाइरल होता है और सिलेंड्रिकली पूरी लेंथ में पाया जाता है इसका आरएनए. ओके, इस तरीके से बच्चों ये है, ये जेनेटिक मटेरियल, ये आरएनए है. ठीक है, और ये जो पार्ट है ये कैप्सिड है, कैप्सिड की कैप्सोमियर यूनिट्स हैं. ये क्या है, कैप्सोमियर यूनिट्स हैं कैप्सिड की. तो ये बच्चों डायग्राम है किसका, टोबैको मोज़ेक वायरस का. अंडरस्टूड. चलिए अब बात करते हैं वायरॉइड की. सेकेंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायरॉइड. मैंने आपको बताया वायरॉइड की क्या डेफिनेशन देंगे आप लोग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वायरॉइड. वायरॉइड की डेफिनेशन है, वायरॉइड्स आर द इंफेक्शियस आरएनए.
वायरॉइड क्या है, इंफेक्शियस आरएनए, ओके, एंड जनरली दे कॉजेज द डिजीजेस इन द प्लांट, ओके, जैसे कि पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, इसे हम पी इन शॉर्ट पीएससी भी कहेंगे, क्या कहेंगे, पीएससी कहेंगे। तो पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायरॉइड के द्वारा कॉज होती है, और वायरॉइड को डिस्कवर किया था टी ओ डाइनर ने, किसने डिस्कवर किया, टी ओ डाइनर ने डिस्कवर किया, ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखें आप कि वायरॉइड्स आर द इंफेक्शियस आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन प्रियोन, प्रियोन बच्चों प्रियोन्स क्या है, प्रियोन्स आर द इंफेक्शियस प्रोटीन, मतलब ये ऐसी प्रोटीन होती है जो कि इंफेक्शियस होती है, इनके अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, और प्रियोन्स जनरली कैटल्स के अंदर एंड ह्यूमंस के अंदर ब्रेन में इंफेक्शन कॉज करते हैं, मतलब इनकी प्रोटीन इतनी इंफेक्शियस होती है कि ब्रेन में एंटर होने के बाद में ब्रेन की सेल्स को ये डैमेज करती चली जाती है, ठीक है। तो जैसे कि एक डिजीज है क्रेग्स जैकॉब डिजीज, जिसे हम कुरू डिजीज भी कहते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से एक और डिजीज है मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज, जो क्रेग्स डिजीज है इसे कुरू डिजीज या लाफिंग डिजीज भी कहते हैं, मैड काउ डिजीज ये कैटल के अंदर होता है,